जीरा मार्च वायदा की कीमतें 4.8% के उछाल के साथ बंद हुई और 4 वर्षों के उच्च स्तर पर पहुंच गई। बुआई क्षेत्र में गिरावट और घरेलू मांग में सुधार की खबरों के कारण वर्तमान में कीमतें वर्ष दर वर्ष 53% अधिक है। 2021-22 में गुजरात में जीरे का रकबा केवल 3.07 लाख हेक्टेयर है, जबकि पिछले साल समान अवधि में 4.69 लाख हेक्टेयर था और दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार उत्पादन पिछले वर्ष के 4 लाख टन की तुलना में 41% घटकर 2.37 लाख टन होने की उम्मीद है। राजस्थान में भी रकबे में लगभग 30% की गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल नवंबर में जीरे का निर्यात वर्ष दर वर्ष 20% घटकर 1.61 लाख टन रह गया है, जो कि पिछले वर्ष 2.02 लाख टन हुआ था। जीरे की कीमतें इस खबर के बाद ज़्यादा बढ़ी कि चीन को निर्यात फिर से शुरू हो गया, जबकि निर्यात मांग अभी भी टैरिफ लागत और आगमन से पहले दबाव में रहेगी। निर्यात मांग में वृद्धि 2020-21 के उत्पादन में गिरावट के साथ साथ कैरी ओवर स्टॉक के अनुमानों के बीच कीमतों को समर्थन मिल रहा है, जिससे व्यापार धारणा मजबूत हो रही है। बाजार की जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड निकल सकती है। गल्फ फूड के चलते भी जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। अजय केडिया के अनुसार जीरे में अब इन स्तरों में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। जीरे में संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अजय केडिया के अनुसार जीरे में ओवरऑल रुझान तेजी का ही है। जुलाई अगस्त तक 25,000 के स्तर अभी भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है, मुनाफा वसूली बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।